संतुलन ही कुंजी है। और एक क्षेत्र जिस क्षेत्र में आप अपने कलीसिया में संतुलन रखना चाहते हैं वो है हर एक चेले की शिक्षा की प्रक्रिया। आपके कलीसिया में जो शिष्यता की प्रक्रिया है इस बात को आप सुनिश्चित कर ले कि हर एक उद्देश्य के लिए आगे बढ़ती जा रहा है, वो समर्पित ना हो सिर्फ किसी प्रोग्राम्स या किसी और बातों को करने के लिए, परंतु परमेश्वर के उद्देश्य के प्रति समर्पित होकर। अब हम इन बातों को क्या करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं क्लास, CLASS, क्रिश्चियन लाइफ एंड सर्विस सेमिनार। हम इसे कर सकते हैं संक्षिप्त में या फिर हम इन बातों को छोटे छोटे झुंडों में बांट कर सकते हैं। ये तो आपका निर्णय है कि आप लोगों को कैसे शिक्षित करना चाहते हैं। उद्देश्य की शिक्षा देना यानी आप उन्हें लेकर जा रहे हैं एक उद्देश्य से दूसरे उद्देश्य की ओर। और जो हम करते हैं वो ये है, क्लासेस को लेते जिसमें सारी सामग्री एक साथ लेकर आते हैं, हम एक साथ इसे समाप्त करते हैं, वे एक वाचा बांधते हैं, कक्षा के अंत में वे हस्ताक्षर करते हैं और उसके पश्चात आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों तक वो उसका अनुसरण करते हैं। हम लोग आरंभ करते हैं संगति के विषय में बोलते हुए लोगों को ये समझाने के लिए कि संगति में जुड़ने का अर्थ क्या होता है। जब आप परिवार का हिस्सा बनते हो वहाँ पर एक जिम्मेदारी होती है, वहाँ पर एक समझ होती है, उसमें अपनापन सा होता है, उसमें क्या होता है, इस संगति में जुड़ने का क्या अर्थ है, क्या जरूरतें हैं और क्या अपेक्षाएं हैं, मेरी आपके प्रति जो अपेक्षा है और आपकी मेरे प्रति जो अपेक्षा है, एक ऐसी समझ जो इस बात को बढ़ावा देती है कि हम एक दूसरे के लिए है, मैं आपका और आप मेरे हो। इसलिए यह स्पष्ट रीति से बताया गया है मेंबरशिप के क्लास में। ये कोई साधारण मेंबरशिप क्लास नहीं है जहां आप किसी समाज या फिर किसी फिरके के मेंबर बन जाते हो, परंतु आप एक चर्च के मेंबर बनते हो जहां पर यह आपको समझ होती है आप उस कलीसिया के एक सदस्य हो, आप उस चर्च का हिस्सा हो। हमने स्पष्ट रीति से इस बात को बताया है। भिन्न भिन्न प्रश्न उत्पन्न होते हैं इस आधार पर, उनके पृष्ठभूमि पर। कुछ लोगों की चर्च की पृष्ठभूमि होती है, कुछ लोगों की चर्च की पृष्ठभूमि नहीं होती। इस बात को हमने समझाया है। इसमें आपको करीबन 1 से 4 घंटे तक समय लग सकता है, निर्भर है कि आप इस पर कितना जोर डालते हो। और इस कक्षा को 101 कहते हैं, 101 जहाँ पर आप आराम करते हो, और यहीं पर हम लोग उन्हें मेंबरशिप के विषय सिखाते हैं। मेंबरशिप हमें संगति समझने में मदद करती है और हम इस उद्देश्य को लागू करते हैं और लोगों को मदद करते हैं उस उद्देश्य को समर्पित हो जाए खुद ब खुद। और वहीं से हम लोग अगले स्तर की ओर जाते हैं। जब व्यक्ति तैयार होता है और यह आपका निर्णय कि वो कब होगा, आप उन्हें अगली कक्षा को उपलब्ध कराएं उस व्यक्ति या उस सदस्य के लिए। और वो जो कक्षा है 201, ये परिपक्वता के विषय सिखाती है। और इस कक्षा में पहले हमने सिखाया लोगों के प्रति समर्पित होने के विषय, और इस कक्षा में हम लोग आदत के विषय सिखाते हैं। आदतें बढ़ने में मदद करती है। हम लोगों को 4 विशेष आदतों के विषय में सिखाते हैं जो लोगों को प्रभु के साथ के उसके चलन को, मसीह में बढ़त को, और सुनिश्चित करते हैं कि कैसे वो अपने आप को सिखाए और वे आत्मिक रूप से सही रीति से कसरत को कर सके। तो हम इन बातों को परिपक्वता की क्लास में सिखाते हैं और इसे हम लोग शिष्यता कहते हैं। पहला जो है सदस्यता और दूसरा जो है वो है परिपक्वता। हम लोगों को समर्पण के अगले स्तर की ओर लेकर जाते हैं, वह है परिपक्वता। और अच्छे समय में जब वे उन्नत होते हैं और परिपक्वता में बढ़ते जाते हैं, हम उन्हें भिन्न भिन्न कक्षाओं में और भिन्न भिन्न विषयों को सिखाते हैं, जैसे बाइबल के सिद्धांत, या फिर सिखाते हैं 40 दिनों का उद्देश्य। और हम उन्हें ये समझने में मदद करते हैं कि मसीह के जैसे बनने या चलने का अर्थ क्या होता है। वहां से हम उन्हें लेकर जाते हैं सेवकाई की ओर, जहां हम उन्हें सिखाते हैं उनके शेप को। और उनकी शेप जो है वो आत्मिक वरदान, उनका हृदय, उनकी योग्यता, उनका व्यक्तित्व और उनका अनुभव। हमने इसे सीखा है पास्टर रिक वॉरेन से। और जब वे शेप को इस्तेमाल करते हैं और इसे समझते हैं और अपनी सेवकाई को जानने लगते हैं, वे सेवकाई को करने पाएंगे। परंतु हम बताते हैं तीसरी कक्षा में, सेवकाई की कक्षा में, जो कि है 301 में, सेवकाई की कक्षा में उन्हें अपना शेप करना पड़ता है या शेप के कोच के साथ बैठना पड़ता है। और वे इस बात को समझते हैं परमेश्वर क्या चाहता है कि वे करें, या फिर वो कौन से मौके हैं जो आपके कलीसिया के पास है उन्हें करने के लिए। जब वे अपनी सेवकाई में बेहतर रीति से करने लगे, याद रखें मैंने कहा था उनकी चर्च में एक सेवकाई है और संसार में एक मिशन है। फिर हम उन्हें सिखाते हैं संसार में उनका मिशन क्या है और हम उन्हें मदद करते हैं सुसमाचार को कैसे बताएं, अपनी कहानी को कैसे बताएं। हम उन्हें गवाह के रूप में उनकी भूमिका क्या है इस बात को समझने में मदद करते हैं और हम उसे कहते हैं मिशन। तो हम सदस्यता से निकलते हैं, फिर हम उन्हें परिपक्वता या परिपक्वता के आदत के विषय में बताते हैं और फिर सिखाते हैं सेवकाई के विषय, उस प्रेरणा या सेवकाई के उद्देश्य के लिए, कैसे सेवकाई के लिए शेप को बनाएं। फिर हम उन्हें सिखाते हैं मिशन, मिशन के कार्य और उसकी ताकत के विषय, और इसके विषय में बात करते हैं कक्षा 401 में। जब किसी को ये चारों बातें सिखाई जाती है, अंततः हम लोग पहुंचते हैं
आवर्धन की ओर, जिसे हम लोग कहते हैं आराधना, उसके लिए भी एक कक्षा है जिसे कहते हैं 501। परंतु यही पर हम लोग सब बातें एक साथ जोड़ते हैं और फिर हम लोग बात करते हैं परमेश्वर के मिशन के जीने के विषय में, जहां आपका संपूर्ण जीवन परमेश्वर की आराधना का एक कथन बने। और इसलिए इस बात को हम अंतिम देखते हैं। परंतु आरंभ में हम लोगों को कदम दर कदम लेकर जाते हैं वाचा को बांधने में, जब वे इसे समझ जाते हैं कि समर्पण में किस बात की आवश्यकता होती है, तो हम इसे समझाते हैं, उन्हें प्रश्न पूछने देते हैं और फिर अंततः वाचा पर वे हस्ताक्षर करते हैं। संतुलन कुंजी है, अपने लोगों को उद्देश्य पर शिक्षा देना यानी उन्हें लेकर जाना है संगति से, जो है 101 सदस्यता, शिष्यता की ओर जो कि 201 परिपक्वता, सेवकाई की ओर 301 सेवकाई, अगला मिशन की ओर 401 सुसमाचार प्रचार। अपने लोगों को उद्देश्य पर शिक्षा दे और वे उद्देश्य पर जीने लगेंगे।